नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आजकल लोगों की देखा देखी या उनमें बराबर दिखने की होड़ में ईएमआई पर चीजें खरीदने का चलन बढ़ गया है। बिना जरूरत की भी चीज कर्ज लेकर खरीदना लोगों को आसानी से कर्ज में डुबा रहा है। फिर कर्ज को चुकाने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग इंसान को दुष्चक्र में फंसाकर गरीब बना देता है। धन कमाने के लिए हर व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है। वैसे तो धन का महत्व प्राचीन काल से ही बहुत था, लेकिन आज के इस दौर में धन कमाना आसान बात नहीं रह गई है, क्योंकि इस आधुनिक दौर में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि व्यक्ति को धन कमाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को मेहनत के बाद भी परिणाम ना मिले तो वह परेशान होगा ही होगा। इस परेशानी का समाधान खोजने के लिए वह तरह तरह के उपाय करता है, क्योंकि धन की कमी हर व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी रहती है। पैसे की किल्लत इंसान को हर पल मारती है। गुरुजी कहते हैं कि मेहनत करने वाले व्यक्तियों को उनकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होता है, और इससे उसके घर में बरकत बनी रहती है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि घर की लक्ष्मी अपने सगुणों से घर में बरकत लाती है, चाहे वह घर की बेटी हो या बहू। कथा में भाग्यशाली महिलाओं के लक्षण भी बताए गए हैं। घर की महिलाएं अपनी गृहस्थी को लेकर खुशहाल बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। दोस्तों, गुरु जी ने कथा में गरीबी दूर करने के लिए विशेष मंत्र और कुछ खास बातें बताई हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। तो चलिए जानते हैं गरीबी दूर करने के उन उपायों के बारे में। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 8, दहरी पूजन। गुरु जी की कथा के अनुसार शास्त्रों में दहलीज को महत्वपूर्ण जगह माना गया है। यह वो स्थान है जो घर में बुरी शक्तियों के प्रभाव को प्रवेश करने से रोकता है। दहलीज का रोज पूजन किया जाना घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में वृद्धि करता है। दहलीज पर बनाए गए शुभ मांगलिक चिन्ह घर की सुख और समृद्धि में वृद्धि करते हैं। दहलीज लक्ष्मी का प्रवेश द्वार है। विवाह के बाद जब वधु यानी कि गृह लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है तो घर के दहलीज पर अन्न का कलश रखा जाता है। अन्न समृद्धि का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि गृह लक्ष्मी अपने साथ समृद्धि को लिए प्रवेश करें। सबसे पहले घर में भगवान की पूजन हो जाने के बाद दहरी पूजन करें। हल्दी एक शुभ मांगलिक वस्तु है, जिसका दहरी पूजन में बहुत महत्व होता है। दहरी पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर अक्षत रखें। स्वास्तिक दरवाजे के दोनों ओर बनाएं। भगवान के पूजन के समय 5 दीपक प्रज्वलित करें। एक पूजा स्थान पर रखें, दूसरा दीपक तुलसी माता के पास रखें, तीसरा दीपक पीने के पानी के स्थान पर रखें। बाकी दोनों दीपक को दहरी पर बनाए गए स्वास्तिक पर रखें। दहरी पर आरती करें। दहरी पर निवास करने वाली देवी लक्ष्मी को प्रणाम करें। घर में सदा सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें। दहरी पर निवास करने वाले देवी देवताओं के निमित्त गुण का प्रसाद रखा जाना भी शुभ होता है। नंबर 7, गाय को रोटी खिलाना। कथा के अनुसार गाय को हमारे हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। इसीलिए हमारे भारत देश में गाय को माता के तौर पर पूजा जाता है। परंतु गाय का सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। गाय के दूध में काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा गाय के घी में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही गाय के पेशाब में भी काफी पोषक तत्व पाए जाते हैं। हम में से ऐसे कई लोग होंगे जो रोजाना गाय को रोटी खिलाते होंगे। परंतु क्या आप जानते हैं कि गाय को रोटी खिलाने से भी हमें कई फायदे होते हैं? गाय को एक पवित्र जानवर के तौर पर मान्यता मिली है। गाय से हमें दूध, दही, मक्खन और घी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गाय के गोबर से खाद का काम भी लिया जाता है, इसीलिए गाय को गौ माता भी कहा जाता है। हमारे भारत में बहुत से लोग पशुपालन का धंधा करते हैं, जिसमें वह गाय और भैंस को पालते हैं और उनका दूध निकालकर बाजार में बेचते हैं। प्राचीन काल से ही गाय को काफी उपयोगी जानवर माना गया है, और हिंदू धर्म में तो इसका काफी महत्व बताया गया है। कथा के अनुसार जो व्यक्ति गाय की रोजाना सेवा करता है उसे अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गाय का दान भी एक महादान माना गया है। आपने यह भी देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण भी गाय को पालते थे। इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदू धर्म में गाय का कितना महत्व है।
नंबर 6, जरूरत की चीजें खरीदें। गुरुजी कहते हैं कि इंसान को अपनी जरूरत के अनुसार ही पैसा खर्च करना चाहिए। इंसान की इच्छा तो ना जाने क्या क्या खरीदने की होती है, उसे हमेशा वो खरीदना चाहिए जिसकी उसे जरूरत हो। जब आप केवल अपनी जरूरतों पर पैसा खर्च करना शुरू करते हैं, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार, तब आप कभी कर्ज में नहीं पड़ेंगे और कभी गरीब भी नहीं होंगे। नंबर 5, नशे से दूर रहें। गुरुजी कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति के नशे की लत से पूरा परिवार और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना ही इसका सर्वोत्तम इलाज है। कुछ बीमारियों का इलाज ही बचाव है, जबकि कुछ बीमारियों से बचाव ही उनका इलाज है। नशे की आदत को छोड़ने के लिए पीड़ित को ऐसे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए जो नशा ना करते हों। नशे की सामग्री व्यक्ति को पहले उत्तेजित करती है, लेकिन उसके पश्चात जैसे जैसे आप उसकी गिरफ्त में आते जाते हैं, वो व्यक्ति को भीतर से नकारात्मक बनाती है, जिससे व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास कम होने लगता है, जीवन में निराशा का भाव आने लगता है, साथ ही चिड़चिड़ापन पैदा होता है जो उसकी सफलता और जीवन के रोजमर्रा के कामों में बाधक बनता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं उस गरीबी दूर करने वाले मंत्र को। दोस्तों, गुरु जी ने कथा में गरीबी दूर करने के लिए विशेष मंत्र बताया है। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से कुछ ही समय में गरीबी दूर हो जाती है और व्यक्ति धनवान बन जाता है। गरीबी दूर करने का मंत्र ये रहा, ओम जूम सह। दोस्तों एक बार फिर से सुनिए, ओम जूम सह। यदि 6 माह तक कोई व्यक्ति इस मंत्र को सुबह उठते ही करे तो उसके जीवन की हर बाधा दूर हो सकती है और उसकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, घर में तुलसी का पौधा लगाएं। कथा के अनुसार प्राचीन काल से तुलसी को घर में रखा जाता है। तुलसी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधों की पूजा भी होती है। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में पवित्र और धार्मिक पौधा माना जाता है। कई धार्मिक कथाओं में तुलसी का जिक्र किया गया है। तुलसी के पौधे के बारे में ज्योतिषियों का कहना है कि तुलसी का पौधा घर में बहुत शुभ होता है। तुलसी को भगवान श्री कृष्ण के भोग में रखना जरूरी माना जाता है। हर रोज घर में तुलसी के पौधे के नीचे दीपक रखने से सुख समृद्धि आती है। कई ज्योतिषियों का मानना है कि तुलसी का गमला घर की रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त हो जाती है। कथा के अनुसार अगर किसी का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है तो तुलसी के पौधे को घर की दक्षिण दिशा में रखें और हर शुक्रवार तुलसी के गमले को सुबह कच्चा दूध अर्पण करें। ऐसा करने से व्यक्ति को व्यापार में सफलता मिल जाती है। नंबर 3, बजट बनाएं। गुरु जी कहते हैं कि यदि आप ऋण मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो आप जो भी कमाते हैं आपको केवल एक बजट का प्रयोग करके अपने मासिक और वार्षिक खर्चों की योजना बनाने की आवश्यकता होती है। अपनी कमाई का 50% अपनी मूलभूत जरूरतों जैसे भोजन, मकान, कपड़े व शिक्षा आदि पर खर्च करना चाहिए। अपनी कमाई का 30% आप अपनी इच्छा पर खर्च कर सकते हैं, जैसे यात्रा करना, खरीदारी करना या फिल्में देखना आदि। आपकी कमाई का कम से कम 20% बचत में अवश्य जाना चाहिए। नंबर 2, सफेद वस्तुओं का दान करें। कथा के अनुसार आप शरद पूर्णिमा के दिन सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इस दिन चावल, दूध, सफेद रंग की मिठाई, चीनी और अन्य सफेद चीजों का दान किसी निर्धन को करें। सबसे अच्छा रहता है कि आप वस्तुओं का दान किसी माँ समान महिला को करें, क्योंकि चंद्रमा का संबंध माँ से माना गया है। नंबर 1, घर में टूटे हुए बर्तन को ना रखें। कथा के अनुसार किचन में कई ऐसे बर्तन हैं जिनका इस्तेमाल आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का कारण बन सकता है। घर में कोई सामान कहाँ रखना है से लेकर किसी भी वस्तु की दिशा तक के लिए यदि वास्तु का ध्यान रखा जाता है तो हमारे लिए अत्यंत लाभदायक होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर ना चाहते हुए भी लोग घर में कुछ ऐसी चीजें एकत्र कर लेते हैं जो ना तो प्रयोग में लाई जाती हैं और ना ही उन्हें फेंकने का मन करता है। मगर अब वक्त आ गया है दोस्तों कि आप अपने घर में पड़े हुए ऐसे सामानों में से फालतू और टूटे फूटे सामान को छांटकर फेंक दें। कथा में बताया गया है कि टूटा फूटा सामान देखकर लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं और आपको सौभाग्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। टूटे बर्तन में खाना परोसने से घर में गरीबी बढ़ती है और आयु द्वार घटता है। टूटे फूटे और बेकार बर्तन घर में जगह घेरते हैं, जिससे वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, अगर आपको गुरुजी की ये सारी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय श्री राम जरूर लिखें। साथ में हमें बताएं कि अगली वीडियो में आप किस टॉपिक पर गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।